हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं नीतू। देखिए फ्रेंड, आज बहुत ही टेस्टी मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए फ्रेंड, मैंने इधर कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, साथ में हम थोड़ा सा जीरा डाल दे रहे हैं और राई थोड़ा सा, और थोड़ा सा हींग हमने डाल दिया है। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी बन के तैयार होगा। आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे फ्रेंड, सही में यकीन मानिए। तो साथ में देखिए, मैंने एक प्याज को इस तरह से बारीक काट के डाल दिया है, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दिया बारीक काट के, और थोड़ा सा बारीक काट के अदरक को डाल दिए हैं। सारे चीज़ों को डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं हम प्याज को। ज़्यादा हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। साथ में देखिए, एक कटोरी मैंने मटर डाल दिया है, तो मटर को भी ये देखिए हल्का मटर भी जो है हल्का सा रोस्ट हो चुका है। इस तरह से जब आप मसाले बनाएंगे ना, तो ये मसाला बहुत टेस्टी लगता है। तो साथ में देखिए फ्रेंड, मसाले और प्याज और मटर जो है हल्का रोस्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 5-6 आलू को बॉईल करके रखे हैं, उसको डालेंगे। तो साथ में हम पहले नमक डाल दे रहे हैं। साथ में देखिए, एक चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, साथ में 2 चम्मच हम कुटी हुई चिली फ्लेक्स या कुटी हुई मिर्च डाल दें, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे चीज़ों को डाल के हम एक बार दो बार इस तरह से हम चला लेते हैं। तो साथ में देखिए, मैंने 5-6 आलू लिए हैं बॉईल करके, छील के लिए हैं। तो आलू को हल्का हल्का देखिए इस तरह से हाथों से मैश करके और डाल दे रहे हैं। आलू को हल्का सा मैश कर लिए हैं और डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए, आलू को मैंने हल्का फ्राई कर लिया है। तो आलू फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा कॉर्न डाल दिए हैं। आपके पास कॉर्न हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और आलू को देखिए इस तरह से हल्का हल्का हम छोलनी की मदद से इसको दबा दबा के चूर लेते हैं अच्छे से। तो आलू देखिए मेरा फ्राई हो चुका है। तो 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में देखिए, इसमें खट्टा फ्लेवर के लिए हम 2 चम्मच नींबू का रस डाल दे रहे हैं। देखिए सारी चीज़ मेरे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर दिए फ्रेंड। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिए हैं, और हरा धनिया को डाल के हम इस तरह से 2 मिनट इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो मसाला मेरा रेडी हो चुका है। तो अब हम देखिए, 6-7 ब्रेड लिए हैं। ब्रेड मैंने बड़े वाले साइज का लिया है। तो जब आप इस तरह से ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे ना फ्रेंड, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, ब्रेड को हल्का सा पानी में भिगो देंगे हाथ से, और चाहे तो आप इसका किनारा निकाल सकते हैं, और यह किनारे वाला पीस भी आप बनाएं तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इस तरह से जब आप ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। तो ये सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, मसाला तो मेरा रेडी हो चुका है। तो अब हम ब्रेड को थोड़ा सा इस तरह से पानी में भिगो के, मसाला को थोड़ा आप ठंडा होने दें। देखिए ब्रेड को मैंने थोड़ा सा पानी से इस तरह से भिगो लिया है, और भिगाने के बाद इसमें इतना सा देखिए फिलिंग्स डाल के इसको अच्छे से हम मोड़ के दबा दबा के इस तरह से, आप शेप जैसा भी चाहो आप डाल कर सकते हैं, गोल या लंबा, जो भी शेप आपको पसंद हो
वो आप बना सकते हैं। तो देखिए ब्रेड कितने अच्छे से मेरे एकदम, तो मैंने अभी किनारा नहीं निकाला है, ये भी इस तरह से बनाइए। साथ में देखिए ब्रेड को मैंने किनारे का निकाल दिया है पार्ट, और उसका भी हम पकौड़े में यूज कर सकते हैं। तो पहले इस तरह से हम हाथों से हल्का हल्का पानी डाल के निचोड़ लेते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें से फिनिंग्स लेके। तो फ्रेंड यदि आप लोगों को ये ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड कि ये ब्रेड का पकौड़ा आप लोगों को कैसा लगा, चाहे ब्रेड बोंडा भी बोल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने गोल शेप में बनाया है। तो इधर कढ़ाई में देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, तो तेल मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब हम देखिए सारे पकौड़े मैंने बना के रेडी कर लिया है, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो अभी फ्लेम को मैंने हाई फ्लेम रखा है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो सही में यकीन मानिए फ्रेंड, ये नाश्ता बहुत एकदम फटाफट बन के रेडी हो सकता है। आप चाहो तो ये नाश्ता को जब भी आप बना के इसका फिलिंग तैयार करके आलू बना के रख लीजिए, और जब भी कभी आपके घर में मेहमान आए तो ये फटाफट नाश्ता बनाइए और खिलाइए, मेहमान को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए अच्छे से हम इसको फ्राई कर ले रहे हैं, तो चम्मच से हम एक साइड से हो गया है तो इसको हम पलट दे रहे हैं। शेप आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड सारी चीज़ों को मैं पलट देती हूँ अच्छे से, एकदम क्रिस्पी। उससे सॉस चटनी किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, आप लोगों को ये नाश्ता ज़रूर पसंद आएगा, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसको प्लेट में निकाल लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड हम इसको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए बहुत टेस्टी एकदम बहुत क्रिस्पी बना है, और इसका जो अंदर का मटेरियल बना है वो बहुत ही टेस्टी है। तो आई होप इसको चटनी के साथ खाएंगे फ्रेंड। मैं तो इसके लिए हरा धनिया का चटनी बनाई हूँ, साथ में देखिए और भी जो ब्रेड बचा हुआ था उसको भी हम इस तरह से कढ़ाई में डाल दिए, और सारे को इस तरह से देखिए फ्राई करके निकाल लिए। ये देखिए कितना अच्छा एकदम गर्मा गर्म नाश्ता बन के रेडी हो गया है। तो इसको चटनी के साथ सर्व करें, आप भी टेस्ट करें फ्रेंड, ये बहुत टेस्टी है। तो फिर मैं मिलती हूँ अगले नई रेसिपी।